कहते हैं इस दुनिया में माता पिता के अलावा बच्चों के लिए कोई पूजनीय होता है तो वो गुरु होता है। मगर जब वो गुरु ही अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है तो इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक शिक्षक ने स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की और उसकी इस हरकत के खिलाफ एक्शन लेने की जगह स्कूल प्रशासन खुद बचाव कर रहा था। ये मामला खटीमा का है जहां आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज झनकट में अंग्रेजी के प्रवक्ता नफीस अहमद पर 11वीं क्लास की छात्राओं ने छेड़छाड़ी का आरोप लगाया है। छात्राओं ने अपने परिजनों को बताया कि क्लास में नफीस पढ़ाने के बहाने उनसे छेड़छाड़ करता है। परिजनों ने इस मामले की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की लेकिन प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। एक छात्रा के पिता दीवानी राम ने बताया, मेरी बेटी के साथ 2 महीने पहले इस शिक्षक ने छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत प्रिंसिपल से भी की गई थी, जिसके बाद ग्राम प्रधान और प्रिंसिपल द्वारा उन पर दबाव बनाकर आरोपी शिक्षक के साथ समझौता करा दिया गया था, लेकिन फिर से इसने बाकी बच्चियों के साथ ऐसा किया। वहीं इस मामले को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पास परिजनों ने संपर्क किया था, जिसके बाद हमने यहां आकर प्रिंसिपल से बात की, लेकिन प्रिंसिपल भी इस मामले से बचते नजर आए। यहां पर अध्यापक नफीस अहमद जो झनकट इंटर कॉलेज के टीचर हैं और वो उनके द्वारा कई बच्चियों के साथ में छेड़खान और गलत व्यवहार किया जाता है, पर ये घटना मेरी बेटी के साथ 2 महीने पहले कि जो 12th में पढ़ती है उसके साथ भी किया गया और मैंने इसकी कंप्लेंट करा स्कूल में आके और प्रिंसिपल के नॉलेज में बात डाली तो मेरे पे दबाव बनाने लगे, तो प्रिंसिपल साहब ने और ग्राम लोगों के और हमारे ग्राम प्रधान गिरा सिंह जेठी जी को बैठाल के बीच में हमारा समझौता करवाया, जिसका ये दिया गया कि मेरे को आज के बाद ऐसा घटना दोबारा नहीं होगी, जिसके लिए हम उसकी माफ़ी मांगते हैं। नफीस अहमद ये इंग्लिश के टीचर हैं और एक हिंदू बहन है जिसको इन्होंने विगत कई दिनों से परेशान कर रहे थे, पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो कल इन्होंने इस घटना को दोबारा पुनरावृत्ति जब हुई थी तो उस परिवार से फोन आया था विश्व हिंदू परिषद को, तो सुबह जब हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर आए उसके बाद विद्यालय प्रशासन से जब पूछताछ करी तो इन्होंने उसको अवकाश स्वीकृत किया हुआ है उसका, उस व्यक्ति की दबिश के लिए उसको उठाने के लिए उसको निलंबित करवाने के लिए लगातार विश्व हिंदू परिषद और हमारा संगठन यहाँ पे प्रयासरत है। वहीं इस मामले को लेकर उप जिला अधिकारी रविन्द्र बिष्ट ने कहा कि आरोपी शिक्षक द्वारा पूर्व में छात्राओं से छेड़छाड़ करने के मामले सामने आए थे, जिस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रिंसिपल द्वारा पीड़ित परिजनों के साथ समझौता करा दिया गया था। कल फिर आरोपी शिक्षक द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना पर आज पुलिस के साथ मैं मौके पर पहुंचा और पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी और आरोपी शिक्षक नफीस अहमद के खिलाफ निलंबन के लिए पत्र भी लिखा है। लेकिन मेरे पास सूचना आई थी कि झनकट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कोई नफीस अहमद करके इंग्लिश के प्रवक्ता है, इनके द्वारा लगातार पहले भी इनके द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया था, उनके सामने उसको कोई समझौता कर दिया था। कल फिर उनके द्वारा कुछ 4 छात्राओं को छेड़खानी थी, तो उसी सिलसिले में काफ़ी लोग जो उनके पेरेंट्स वगैरह हैं और अन्य लोग जो हैं वो काफ़ी आक्रोशित होकर वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तो मैं मौके में गया, पुलिस वगैरह भी आई थी, तो फिलहाल मैंने प्रिंसिपल को ने तकलीफ दे दी है थाने में उसके खिलाफ की शिक्षा के खिलाफ और मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को तो उसके निलंबन की सूचना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।